हेलो एविबडी स्वागत है आप सभी लोगों का लॉ वाला पे आज के सेशन में हम लोग एक ऐसे आर्टिकल के बारे में पढ़ने वाले हैं जहाँ पे हम लोगों को बचपन से सिखाया गया है किस तरह से हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए भेदभाव नहीं करना चाहिए और आई एम वेरी श्योर ये जो मूवी पीछे जिसका पोस्टर लगा हुआ है ये आप लोगों ने ज़रूर देखी होगी इस मूवी में एक बताया गया है किस तरह से लड़कियाँ जो थोड़ी नीचे कास्ट को बिलोंग करती हैं इनका गैंग रेप होता है इनको पेड़ पे लटका दिया जाता है ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं इनको पता लगता है इनकी पोस्टिंग होती है इनको पता लगता है क्या कास्ट कल्चर है किस तरह से अपर कास्ट और लोअर कास्ट में भेदभाव है लोग खाना नहीं खा सकते पानी नहीं पी सकते बैठ नहीं सकते एक साथ तो ये सारी चीज़ें जो हमारे हमारे समाज में जो प्रेवलेंट है इसके बारे में ये मूवी दर्शाती है और हमारे आर्टिकल 15 को इसने अच्छे तरीके से जो है इलेबोरेट करके बताया है ठीक है तो आज का सेशन शुरू करने से पहले एक बार आप लोग चैट सेक्शन में बता दीजिए क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं गुड आफ्टरनून एवरीबडी वेरी गुड आफ्टरनून तो सिर्फ दो रुपए अपने फैक्ट्री में ये लोग काम कर रही होती हैं बच्चियां छोटी छोटी बच्चियों के बारे में बताया गया है इसमें माइनर गर्ल्स के बारे में बताया गया है और ये सिर्फ दो रुपए एक्स्ट्रा दिहाड़ी मांग रही होती हैं इनका गैंग रेप होता है इनको पेड़ से लटका दिया जाता है और इस वजह से नहीं इनका रेप इसलिए नहीं होता है कि इनका रेप करना था सिर्फ इसीलिए करा गया कि सारे समाज को पता लगे कि इनकी हालत ऐसी होनी चाहिए तो कुछ गंदी ऐसी समाज में हमारी जो चीजें हैं ना उनको दर्शाया है इस मूवी में तो आई एम वेरी श्योर आप लोगों ने जरूर देखी होगी ऑडियो वीडियो क्लियर है राइट right. ठीक है तो इन टूडे सेशन वी आर गोइंग टू कवर आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बहुत ही अच्छा आर्टिकल है और आर्टिकल 14 जो हम लोगों ने पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 14 हम लोगों ने पढ़ा इसका ये एक एक्सटेंशन है ठीक है तो आर्टिकल 15 हम लोग कवर करने वाले हैं पूरी क्लियर है वेरी गुड वेरी गुड हेलो दुर्गाचरण मलिक हेलो आदृषि प्रियांशी अलका दुर्गाचरण एमजे सोनम अब्दुल वेलकम एवरीबॉडी ठीक है आज का सेशन शुरू करते हैं और अपने डेली टारगेट्स एक बार देख लेते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है हम लोग एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस देखने वाले हैं इस टॉपिक से रिलेटेड जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं जो भी जुडिशरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो एंड तक की बने रहे क्योंकि यहाँ पे हम लोग मेन्स के क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन कितने टाइम में कंप्लीट होगा कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक ऋतिक तो जो बेसिक क्वेश्चंस जो हमारे टॉपिक्स हैं वो हम लोग कवर करने वाले हैं जैसे कि अभी हम लोग को बहुत सारी चीजें जो है वो कवर करनी है तो विकांत से दैट लेकिन हाँ ये है कि आपकी अभी कम से कम फिफ्टीन टू ट्वेंटी क्लासेस बची हैं ठीक है क्लैट ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव का बैच आ सकता है क्या बिल्कुल आएगा क्लैट ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव का बैच भी आएगा फुल्ली क्लियर है ठीक है चलिए तो सबसे पहले जो हम लोग कवर करेंगे ये कि भाई हम लोगों ने आर्टिकल फोर्टीन में देखा

यहाँ पे मान के चलिए अगर स्टेट इसको अपलिफ्ट करने के लिए इसको इक्वल राइट इक्वल ट्रीटमेंट दे रहा है बाकी सारे लोगों के साथ तो ऐसे केसेस में ये किया जा सकता है हम लोगों ने क्या पढ़ा था रीजनेबल क्लासिफिकेशन और रीजनेबल क्लासिफिकेशन किया जा सकता है किसी भी समाज में किसी को अपलिफ्ट करने के लिए राइट right? तो ये चीजें हम लोगों ने आर्टिकल 14 में पढ़ी कि भेदभाव नहीं किया जाएगा हर कोई इंसान रूल ऑफ लॉ के अंडर रहेगा विल बी इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज गुड आफ्टरनून हिमांशु सर गुड आफ्टरनून ठीक है तो यहां ब्रॉडली हम लोग छह चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं ठीक है छह चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है क्या कि कौन कौन से ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा रिलीजन रेस कास्ट सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ

आर्टिकल 15 सब क्लास फोर जो है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए इसको इंसर्ट किया गया था इसकी पूरी हिस्ट्री जो है वो हम लोग समझने वाले हैं और उसके बाद आर्टिकल 15 सब क्लास फाइव में एडमिशन ऐसे सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस का जो एडमिशन है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के साथ साथ किस तरह से एडमिशन्स में रिजर्वेशन हो सकता है इसकी पॉलिसी को समझेंगे और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आर्टिकल 15 सब क्लॉज 6 जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के बारे में एक नया अमेंडमेंट किया गया है ठीक है आई हैव क्वेश्चन मैम क्लैट 2024 पेड बैच में होल सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा बिल्कुल पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा आपका ठीक है अच्छे से क्लियर हो जाएगा डोंट वरी आपको अच्छे से हम लोग सब कुछ कवर कराने वाले हैं आपके पास अच्छी फैकल्टीज हैं ट्रस्ट अस ठीक है बस आप ट्रस्ट बिल्ड करो ठीक है तो आज आपका जो सेशन होने वाला है याद रखिएगा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे एमसीक्यूज और एंड तक के आपको बने रहना है तो आर्टिकल 15 में बेसिकली आपको सिक्स क्लॉजेस मिलेंगे जहां पे पहले मैंने आपको क्या बताया है यहां पे स्टेट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है उसी तरह से सिटीजन और स्टेट दोनों पे रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है कौन कौन से मैटर्स हैं इनको भी हम लोग समझेंगे साथ ही साथ विमेन एंड चिल्ड्रन के बारे में आर्टिकल फिफ्टीन सब क्लास थ्री में दिया हुआ है और आर्टिकल 15 सब क्लास फोर यहाँ पे बात करता है जहां पे आप स्पेशल प्रोविजन बना रहे हैं किस लिए एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस और आर्टिकल फिफ्टीन सब क्लास फाइव में आपको मिलेगा यहाँ पे कि इनके एडमिशन के लिए रिलेटिंग टू देर एडमिशंस तो अब आप ये बोलोगे मैम आर्टिकल 15 सब क्लास फोर और फाइव में कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है पे एडमिशन से रिलेटेड आप स्पेशल प्रोविजन बना सकते हो इनको रिजर्वेशन दे सकते हो और आर्टिकल फिफ्टीन सब क्लॉज सिक्स जो एक सौ तीन एक्ट से एड किया गया है है कॉन्स्टिट्यूशन में ठीक जुडिशियल बैच आएगा और उसको भी हम लोग कवर करेंगे बिल्कुल ठीक है अब देखिए सबसे पहले अगर हम लोग आर्टिकल फिफ्टीन सब क्लॉज वन की बात करें इफ यू टॉक अबाउट आर्टिकल फिफ्टीन सब क्लॉज वन क्या कहता है आर्टिकल 15 सब ये सिंपली कहता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा स्टेट के द्वारा किसी भी सिटीजन को यहां पे याद रखिएगा सिटीजन वर्ड यूज किया गया है ठीक है सिटीजन को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा

उस पे तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है दैट इज रिस्ट्रिक्टेड ठीक है अब देखिए अब यहां पे ग्राउंड कौन कौन से होंगे देखिए ग्राउंड यहां पे कौन कौन से देखिए सबसे पहले रिलीजन धर्म के पॉइंट पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे आर्टिकल 15 सब क्लॉज वन देखिए क्या कहता है द स्टेट शल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ रिलिजन रेस कास्ट सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम एज सिंपल एज दैट क्लियरली मेंशन करता है ठीक है तो यहां पे रिलिजन रेस कास्ट कास्टिज्म जो चल रहा है हमारी कंट्री में किसी भी सेक्स के बेसिस पे आप फीमेल मेल आप इस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे प्लेस ऑफ बर्थ पे आपको डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए रिस्ट्रिक्ट किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 15 सब क्लॉज वन स्टेट को रिस्ट्रिक्ट करता है क्लियर हो गई बात आगे देखिए अब यहां पे हम लोग दो एस्पेक्ट्स देखेंगे सबसे पहले देखिए लॉ प्रोवाइडिंग इलेक्शंस यहां पे हम लोग देखेंगे नैन सुखदास वर्से स्टेट ऑफ यूपी का केस क्या कहता है नैन सुखदास वर्से स्टेट ऑफ यूपी में क्या कहा गया

अभी हम लोग ने क्या देखा ये देखिए हम लोग ने देखा प्लेस ऑफ बर्थ पांच हैं पांचों आपको याद रखने हैं अब इन पांचों में एक वर्ड है जो आपको याद रखना है क्या है ओनली ठीक है अब यहीं पे क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं आर्टिकल फिफ्टीन सब क्लॉज वन में क्या वर्ड यूज किया गया है ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ क्या लिखा है बेराट की लैंग्वेज में द स्टेट क्स प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ डेम अब यही सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने गया अब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सवाल गया की अगर रेसिडेंस के ऊपर अगर किसी का रेसिडेंस है कोई कहीं रह रहा है उसका रेसिडेंस अगर कहीं पे है तो क्या उस ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है क्योंकि यूजुअली क्या होता है जहाँ पे लोग रह रहे होते हैं ज्यादातर लोग जहाँ पे रह रहे होते हैं वही उनका रेसिडेंस होता है वही उनकी प्लेस ऑफ बर्थ होती है लेकिन देर आर पीपल जो उनका रेसिडेंस है वो उनकी प्लेस ऑफ बर्थ दोनों डिफरेंट होता है तो ऐसे केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर रेसिडेंस के ऊपर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है कोई भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो वो आर्टिकल 15 सब क्लॉज वन के वॉयलेटिव नहीं होगा ठीक है तो यहाँ पे आप ग्राउंड्स को आपको याद रखना है इसका एक ट्रिक एक चार्ट बना लो कैसे चार्ट बनाओगे आप ये देखिए यहाँ पे यहाँ पे आप रिलीजन रेस कास्ट सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम तो ये एक आप ट्रिक बना लो या फिर इसको R2 कर लो R2 OB, ये हो गया आपके ग्राउंड्स क्लियर हो गई बात वही चीज है यूजी क्या होता है प्लेस ऑफ बर्थ जरूरी नहीं है जहां पे इंसान की बर्थ हुई है वो वो प्लेस ऑफ बर्थ हो गया रेसिडेंस जरूरी नहीं है जहां पे प्लेस ऑफ बर्थ हो यूजअली वो सेम हो तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि भाई ये वॉलेटिव नहीं होगा आर्टिकल फिफ्टीन सब क्लॉज वन के ये किस केस में कहा गया डीपी जोशी वर्सेस स्टेट ऑफ एमबी, ठीक है अब एमबी क्या है? मध्य भारत। अब अब आगे आते हैं। अब यहां पे हम लोग बात करेंगे आर्टिकल की। बहुत ही अच्छा वेरी ब्यूटिफुल क्या कहता है देखिए आर्टिकल फिफ्टीन सब क्लॉस टू ये कहता है नो सिटीजन शाल ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन रेस सेम ग्राउंड कास्ट सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ बी सब्जेक्टी लाइबिलिटी रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन विध रिगार्ड टू क्या कहना चाह रहा है आर्टिकल फिफ्टीन सब क्लास टू ये कह रहा है कि, कि किसी भी सिटीजन को रिलीजन रेस का सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ के ग्राउंड पे या इनमें से किसी भी ग्राउंड पे जो है कोई डिसबल नहीं करेगा उसको कोई लाइबल नहीं करेगा डिसेबिलिटी यानी कि उसको ये माना जाएगा कि वो ऐसी सिचुएशन ऐसी कंडीशन में जो नीचे बताई गई है वो डिसेबल्ड है ये नहीं कर सकता उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाएगा उस पर क्योंकि वो किसी रिलीजन को बिलोंग करता करता है किसी किसी कास्ट को बिलोंग करता है तो ऐसे केसेस में उस पर कोई कंडीशन नहीं लगाई जाएगी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा लाइबिलिटी नहीं होगी डिसेबिलिटी नहीं होगी ठीक है विथ रिगार्ड टू आप देखिए यहाँ पे एक्सेस टू शॉप्स पब्लिक रेस्टोरेंट्स होटेल्स प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट मूवी देखने जाते हैं आप क्या आपने देखा है कि इंडिया में ऐसा हो रहा है कि एंट्री देने से पहले टिकट देखते हैं और फिर कास्ट पूछते हैं आपकी या ये पूछते हैं कि आप हिंदू हैं क्रिश्चियन हैं मुस्लिम हैं क्या हैं आप सिख हैं क्या ऐसा होता है आपने कभी देखा है पब्लिक एंटरटेनमेंट रेस्टोरेंट जाते हैं आप कहीं भी जा रहे हैं बैठ रहे हैं खाने के लिए मोमोज खाने जा रहे हैं क्या कोई पूछता है कि आपकी कास्ट क्या है

चाहे स्टेट के के थ्रू होली या पार्टली अगर स्टेट ने इसको मेंटेन किया हुआ है और विच इज डेडिकेटेड टू जनरल पब्लिक ठीक है ग्रेजुएशन के बाद क्लैट के लिए तैयारी कैसे करें बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं क्लैट के लिए ग्रेजुएशन के बाद आप पीजी के लिए कर सकते हैं अच्छा पार्शली हो रहे हैं। बिल्कुल करेक्ट है आदर्शी थैंक यू थैंक यू थैंक यू ठीक है क्लियर हो गई बात तो आर्टिकल फिफ्टीन सब क्लॉज टू ने आपसे क्या कहा आर्टिकल 15 सब क्लॉज 2 ये कह रहा है कि, कि किसी भी सिटीजन को जो ग्राउंड्स बताए गए हैं जो अभी मैंने ट्रिक बताई आप उसको याद कर लीजिएगा उन ग्राउंड पे डिसेबल नहीं किया जाएगा उनको लाइबल नहीं किया जाएगा रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाएगा कोई कंडीशन नहीं इम्पोज करी जाएगी अगर उनको मूवी देखने जाना है अगर उनको किसी शॉप में जाना है अगर उनको किसी रेस्ट्रां में जाना है या फिर अगर उनको किसी कुएं में से पानी निकालना है किसी टैंक को यूज करना है किसी बिल्डिंग या बदिंग आट्स बेदिंग आर्ट में नहाना है रोड को एक्सेस करना है या फिर कोई पब्लिक रिजॉर्ट के प्लेसेस है कोई पार्क है वहां जाना है कोई म्यूजियम है वहां जाना है तो अगर वो स्टेट ने मेंटेन किया है स्टेट के फंड्स के थ्रू सरकारी अगर वो प्रॉपर्टी है वो या फिर पार्टली स्टेट ने उसको आ, उसको ओन करा है तो ऐसे केसेस में उनको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाएगा क्लियर हो गई बात इतनी बात क्लियर हो गई ठीक है तो आर्टिकल 15 सब क्लॉज 2 आई होप क्लियर हो गया इसका ब्रेकडाउन है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक ही आपको चार्ट में सब कुछ क्लियर हो जाएगा एक ही डायग्राम में क्या कहता है आर्टिकल 15 सब क्लॉज 2

डीएलआरसी समझ में आ गया तो आर्टिकल फिफ्टीन सब क्लास टू में कहा कि डिसेबिलिटी जाना है होटल जाना है, है पब्लिक एंटरटेनमेंट मूवी देखने जाना है ठीक है या फिर अगर उसको कोई वेल well का यूज करना है टैंक का यूज करना है बेदिंग हार्ड का यूज करना है तो ऐसे केसेस में यह किया जाएगा तो ये चार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लें इसको उसी तरह से आपको याद रखना है पॉइंट में आपको आर्टिकल 15 सब क्लास टू जाएगा सिर्फ उंगलियों पे पे आपके टिप्स पे आ जाएगा दो बातें हम लोगों ने समझी पहली बात हम लोगों ने आर्टिकल 15 सब वन में समझी उसके बाद हम लोगों ने दूसरी बात आर्टिकल 15 सब क्लास टू में समझी जहां पे स्टेट और सिटीजन दोनों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है ठीक है क्लियर हो गया एक बार थम्सअप कर दीजिए अगर क्लियर हो गया है तो एक बार थम्स अप कर दीजिए ठीक है ऑल राइट ऑल राइट अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और ये देखेंगे कि आर्टिकल फिफ्टीन सब क्लॉज टू का जो एम है इसलिए इसको लेजिस्लेट किया गया ठीक है तो यहां पे आप देख रहे हो स्टेट के द्वारा जो डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है या प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है यहाँ पे आपको पता है स्टेट तो डिस्क्रिमिनेट करता ही है स्टेट तो ऐसे लॉज बनाता ही है जो डिस्क्रिमिनेटरी हो लेकिन इससे ज्यादा प्राइवेट इंडिविजुअल्स द ग्रुप ऑफ पीपल कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो लोग हैं ना आपस में लोग ज्यादा भेदभाव करते हैं साथ में बैठना नहीं है अब ब्रिटिश काल में जाइए ब्रिटिश इंडिया में जाइए तो ट्रेन जब आई थी जब रेलवे इंट्रोड्यूस कर दिया गया था नाइन में रेलवे इंट्रोड्यूस किया गया तो अब क्या प्रॉब्लम हुई यार ट्रेन है अब ट्रेन में तो ऊंची जाति नीचे जाति वाले लोग एक साथ बैठेंगे अब कैसे हो सकता है तो इसके अगेंस्ट लोग खड़े हुए कि यहां पे स्टेट से ज्यादा लोग भेदभाव करते हैं इसीलिए आप देखोगे आर्टिकल 15 सब क्लॉस टू के अंदर ये रिस्ट्रिक्शन लगाया गया ठीक है चलो बढ़िया है बढ़िया है ऋतिक आई होप यू guys क्रैक द एग्जाम दैट इज मोर important. क्लैट क्रैक कर ले जाओ ना तो हम लोगों से ज्यादा खुश कोई नहीं होने वाला क्योंकि एग्जाम का लेवल जो है वो डिफिकल्ट है तो आपको पढ़ाई करना है लगे रहना है अपने टारगेट पे, है ना क्लियर हो गई बात Don't they get एनी राइट रिगार्डिंग डिस्क्रिमिनेशन सी there आर मेनी लॉज which आर इन framed. अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे आर्टिकल 17, आर्टिकल 18 के बारे में भी पढ़ेंगे ठीक है अभी इतना समझ लो ऑब्जेक्ट क्या था इसको लेजिस्लेट करने का यही ऑब्जेक्ट था कि ये जो हिंदू सोशल सिस्टम है जो ये कास्ट सिस्टम है ना इसको किसी तरह से ब्रेक किया जाए, इसका कोई डिस्क्रिमिनेशन तो जो है स्टेट और प्राइवेट इंडिविजुअल द्वारा उसको पकड़ा जाए उसको ग्रास्प किया जाए और उसके बाद आप देखोगे कि जो हिंदू सोशल सिस्टम जो कास्ट सिस्टम है उसको इराडिकेट किया जाए उसको कम किया जाए क्लियर हो गई बात तो यहां पे आप देखो कि किस तरह से आप देखो कि डिविजन है यहां पे एक पूरा हर की है कि कौन सबसे ऊपर है कास्ट सबसे ऊंची जाति वाला कौन है सबसे नीचे जाति वाला कौन है तो धीरे धीरे आप देखोगे सिस्टम चेंज हो रहा है लेकिन उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, है ना और बहुत सारे लोगों को जो है ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के चलते देखिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अगर आप बात करो तो अनटचेबिलिटी को हटाने में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी उनका बहुत बड़ा योगदान है आप देखोगे अनटचेबल्स के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बहुत बड़ा योगदान है तो इस तरह से कुछ डिवीजन आप देखोगे ब्राह्मी प्रीस्ट की कैटेगरी में जो आते हैं क्षत्रिय वॉरियर्स और किंग्स होते थे वैश्यास जो मर्चेंट्स और लैंड ओनर्स होते थे सूद्राज आप देखोगे कॉमनर्स पीज एंड सर्वेंट्स हुआ करते थे और अनटचेबल्स जो आउट कुछ ऐसे भी हैं जो अनटचेबल्स हैं आउट ऑफ कास्ट किसी भी कास्ट को नहीं बिलोंग करते हैं आप आर्टिकल 15 ना ये जो मूवी है इस मूवी में इसमें बहुत अच्छे से बताया गया है मतलब इसमें तो ये बताया गया है कि खाना भी नहीं खाया जा सकता था पुलिस सिस्टम के अंदर भी सर ये इस जाति के हैं अरे सर आप इनके हाथ से पानी नहीं ले सकते और आप इनके हाथ से पानी नहीं ले सकते और वो जो बैठे हैं वो किसी और के हाथ से पानी नहीं ले सकते तो ये सारी चीजें अच्छे से दर्शाई गई आर्टिकल फिफ्टीन में जरूर जरूर देखिएगा आप लोग समझ में आ रहा है जरूर देखिएगा बहुत सारी चीजें आप लोगों की क्लियर होंगी आर्टिकल फिफ्टीन में अब ये हो गई बात अब हम लोग बात करेंगे सर्टन एक्सेप्शन की आर्टिकल फिफ्टीन सब क्लॉज वन में हम लोगों ने क्या पढ़ा हम लोग ने पढ़ा कि कुछ ग्राउंड हैं जिसके ऊपर ये कहा गया है कि स्टेट इन ग्राउंड पे आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा लेकिन अब आप देखो कि आर्टिकल 15 के अंदर ही डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है मैंने लास्ट जब क्लास करी थी तो एक बच्ची ने मुझसे सवाल पूछा कि मैम इक्वालिटी बिफोर लॉ है हर कोई बराबर है हर कोई समान है लॉ की नजर में भी गवर्नमेंट की नजर में भी भारत में हर कोई समान है तो ये रेजर्वेशन क्यों क्यों है ये रिजर्वेशन और ये तो आर्टिकल 15 के अंदर ही दिया हुआ है जहां पे आर्टिकल 15 सब क्लॉज वन कह रहा है कि रिलीजन रेस कास्ट सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ पे हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे वहीं पे आर्टिकल 15 सब क्लॉज थ्री आ जाता है और आर्टिकल फिफ्टीन सब क्लॉज थ्री कहता है कि हम विमेन और चिल्ड्रेन के मैटर्स में हम भेदभाव करेंगे ऐसा क्यों तो ये क्या होता है स्टूडेंट्स ये होता है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा आर्टिकल 15 के एक्चुअली दो एस्पेक्ट्स है ठीक है एक है उनका पॉजिटिव एस्पेक्ट एक है नेगेटिव एस्पेक्ट एक तरह से आर्टिकल फिफ्टीन नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन करता है नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन कैसे करता है देखिए नेगेटिव राइट्स क्या है आर्टिकल फिफ्टीन सब क्लॉज वन स्टेट के ऊपर नेगेटिव नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन एक आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते उसी तरह से आर्टिकल फिफ्टीन सब क्लॉस टू लाता है कहता है स्टेट और सिटीजन दोनों ही डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे अगर किसी को पब्लिक एंटरटेनमेंट को यूज करना है उस पर्टिकुलर इंसान को क्लियर हो गई बात उसके बाद पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन यानी कि आप अपलिफ्ट कर रहे हो हम लोग देखेंगे आर्टिकल फिफ्टीन सब क्लास थ्री में आर्टिकल फिफ्टीन सब क्लास फोर में आर्टिकल फिफ्टीन सब क्लास फाइव में आर्टिकल फिफ्टीन सब क्लास सिक्स में ठीक है और ये क्या सारे है सारे इंस्टेंसेस हैं रेजर्वेशन के ठीक है रेजर्वेशन के क्लियर हो गई बात इतनी मूवी का नाम है आर्टिकल फिफ्टीन बहुत अच्छी मूवी है जरूर देखिएगा बिल्कुल सारे ही क्लैट स्टूडेंट्स ना एग्जाम क्रैक कर ले जाओगे बस लगे रहो आप आपको जो पढ़ाया जा रहा है ना यहाँ पे पीडब्ल्यू में जो भी आपको पढ़ाया जाएगा वो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जाएगा जस्ट ट्रस्ट द टीचर्स क्लियर हो गई बात शुभांकर गुड आफ्टरनून वेलकम बैक तो यहाँ पे आर्टिकल फिफ्टीन सब क्रॉस थ्री में आप विमेन एंड चिल्ड्रेन के मैटर में यानी कि यहाँ पे सेक्स के ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है आप बोल सकते हो मैम अभी आपने बोला था आर्टिकल नहीं कर सकते है तो ऐसा अगर आपसे कोई पूछे कि रिजर्वेशन क्यों है तो आप ये जवाब देना कि हमारे कंट्री में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये दिया हुआ है कि हम पॉजिटिवली किसी को अपलिफ्ट करने के लिए क्या देखा हम लोगों ने यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगर इस बच्चे को इस समान करने के लिए अगर स्टेट उसको अपलिफ्ट करने के लिए यहाँ पे ये रिजर्वेशन की तरह काम करता है इसको अपलिफ्ट करने के लिए सबके बराबर करने के लिए अगर इसके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन कर भी रहा है अगर ये कर भी रहा है तो ये अलाउड है क्योंकि यहाँ पे आप देखिए उसको वो चीजें नहीं मिल पा रही हैं जो उन दोनों को मिल पा रही है जिनके पास यहाँ पे फॉर फॉर एग्जाम्पल हाइट है अब यहाँ पे मान के चलिए रिलीजन होता यहाँ पे जस्ट अंडरस्टैंड यहाँ पर रिलीजन होता रेस्ट होता कास्ट होता सेक्स होता प्लेस ऑफ बर्थ होता अगर ऐसे केसेस होते और ये उसको वो सारे फल नहीं मिल पाते जो उन दोनों को मिल रहे हैं तो ऐसे केसेस में ये क्या यहाँ पे स्टेट ने अगर डिस्क्रिमिनेट करा इसको वो इसको तो दिया ही नहीं और इसको दिया तो कम दिया और इसको दिया तो बहुत ज़्यादा दिया प्लैंक्स बॉक्सेस खड़े होके देखने के लिए तो ये क्या है ये रिजर्वेशन के थ्रू आप उसको अपलिफ्ट कर रहे हो तो कोई भी आपसे पूछे अगर कि रिजर्वेशन केसेस में यहां पे आप डिस्क्रिमिनेशन कैसे कर सकते हो तो आप ये कह सकते हो कि इट इज अ पॉजिटिव काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन टू अपलिफ्ट दोज आर नॉट हैविंग राइट्स अ कॉमन पीपल हैज एज सिंपल एज दैट क्लियर हो गई बात ठीक है तो क्लैट में डेफिनेटली फैमिली लॉ भी मैं ही डील करने वाली हूं आपके पेड बैच में ठीक है होप आप ये नहीं कहोगे कि मैम ये डिस्क्रिमिनेशन कैसे यहां पे तो आर्टिकल फिफ्टीन सब क्लास वन ही वायलेट हो रहा है ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है क्लियर हो गई बात उसके बाद आर्टिकल फिफ्टीन सब क्लास थ्री में देखिए वॉट इज इट इट इज अ पॉजिटिव काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ये एक एनेबलिंग प्रोविजन है कई जगह स्टूडेंट्स यू विल हियर द वर्ड एनेबलिंग प्रोविजन इसका मतलब क्या होता है एनेबलिंग प्रोविजन का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो विमेन है जैसे कि अगर यहाँ पे इसको यूज़ किया गया है तो यहाँ पे जो विमेन है जो चिल्ड्रेन है ये एज अ मैटर ऑफ राइट यहाँ पे ये चीज़ नहीं मांग सकते कि आर्टिकल 15 सब क्लास थ्री में ये मेरी राइट right है और ये चीज़ मुझे दीजिए ये एक एनेबलिंग प्रोविजन है यानी कि ये स्टेट का डिस्क्रिप्शन है पार्लियामेंट का डिस्क्रिप्शन है वो चाहे तो आपको अपलिफ्ट करने के लिए लॉज बना सकते हैं क्लियर हो गई बात

यहाँ पे आप देखो कि चिल्ड्रन से रिलेटेड इनको माना जाता है कि यहाँ पे इनको इम्यून किया गया है इनकी इम्यूनिटी दी गई है अंडर सेक्शन 82 एंड 83 ऑफ आईपीसी उसी तरह से आप देखो 497 आईपीसी को यहाँ पे डीक्रिमलाइज कर दिया गया है उसको जेंडर न्यूट्रल बनाने के लिए अडल्ट्री को जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सेक्शन 497 इज नाउ डीक्रिमिनलाइज्ड ठीक है उसके बाद आप सीआरपीसी के अंदर देखो सेक्शन 154 जो एफआईआर से रिलेटेड है उसी तरह से सेक्शन 437 जो है सेक्शन 161 ये सब विमेन से रिलेटेड है विमेन फेवरेबल हैं यानी कि अगर कोई फीमेल है तो ऐसे केसेस में उनसे अगर आपको कन्फेशन लेना है कोई अगर स्टेटमेंट लेना है तो उसके रेसिडेंस पे भी जाके लिया जा सकता है या अगर कोई रेप की कन्विक्ट है तो ऐसे केसेज में एक लेडी एक विमेन पुलिस ऑफिसर ही उसके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेगी ऐसा दिया हुआ है ठीक है सीपीसी में पर्दा नशीन वेमेन के बारे में बताया गया है यानी कि अगर कोई विमेन ऐसी है जो घूंघट डालती है और वो जनरल पब्लिक के सामने इस तरह से नहीं आती है तो उसको पूछा जाएगा और विमेन के अरेस्ट से रिलेटेड भी सेक्शन 56 हम ने सीपीसी में किया हुआ है उस भी रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है तो ये सारे लॉज आप बना सकते हैं उसी तरह से हिंदू मैरिज एक्ट में हिंदू मैरिज एक्ट में भी आप देखोगे कि किस तरह से डाइवोर्स से रिलेटेड आपको फीमेल को अलग प्रोविजन दिए गए हैं तो ये सारी चीजें आपको जेंडर न्यूट्रल बनाती हैं डिटेल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग बैच बहुत ही जल्द आपके सामने आने वाला है बहुत ही जल्द आपको पता लगेगा कि क्लैट के अंदर क्या आपको मिलने वाला है ठीक है तो यहां पे क्या है ये पब्लिक पॉलिसी का मैटर है और यहाँ पे फंडामेंटल राइट की कोई गारंटी नहीं मिलती है विमेन और चिल्ड्रेन को आर्टिकल फिफ्टीन सब क्लास थ्री इज अ प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन इन द फेवर ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रेन क्लियर आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पे हम लोग केस लॉज देखेंगे स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू याद रखिएगा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है यूसुफ अब्दुल अजीज वर्स स्टेट ऑफ बॉम्बे सुप्रीम कोर्ट यहां पे सेक्शन जो अभी हम लोगों ने डील किया था सेक्शन फोर नाइन्टी का केस था जोसेफ शाइन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया दो हजार अट्ठारह के बाद से अब ये डी क्रिमिनलाइज है क्लियर हो गई बात आगे बढ़े अच्छा एक मिनट कुछ डाउट्स हैं पी डी एफ सी पी सी मैम प्लीज प्रोवाइड अच्छा मर्जर पी डी एफ सी पी सी एक बार थोड़ा सा क्लियरली आप बताएंगे अगर पी पी टी से रिलेटेड या कोई अगर आपको नोट से रिलेटेड कोई मतलब प्रॉब्लम है तो वो आपका सॉल्व कर दिया जाएगा ठीक है अब हम लोग बात करेंगे आर्टिकल फिफ्टीन सब क्लास फोर की बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है आर्टिकल फिफ्टीन सब क्लास फोर में बहुत सारी डिस्प्यूट है भाई कंफ्यूजन है मैम कैसे पढ़ूं आर्टिकल फिफ्टीन सब क्लास फोर नहीं समझ आता है ये सारे प्रोविजन नहीं समझ आते हैं बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा आज देखिए आर्टिकल फिफ्टीन सब क्लास फोर एक स्पेशल काइंड ऑफ प्रोविजन है यानी कि यहाँ पे आप एक चीज समझ लेना स्टूडेंट्स द आर्टिकल्स वी रेड यानी कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दे वी क्लॉजेस टू आर्टिकल फिफ्टीन क्या थे फर्स्ट क्लॉज जो हम लोगों ने देखा द स्टेट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट उसके बाद आर्टिकल 15 सब क्लॉज 2 के अंदर जो हम लोगों ने देखा जहाँ पे सिटीजन और स्टेट दोनों पे रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है और आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 जो हम लोगों ने देखा विमेन एंड चिल्ड्रेन से रिलेटेड ये तीन ही क्लॉजेस थे अब यहाँ के बाद जो आप देखोगे क्लॉज 4 5 6 दैट इट हैज बीन एडेड थ्रू Amendments. इसमें amendment करके इसको किया गया है और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जहां पे भी amendment हुआ है आप समझ लो वो आपके से से एग्जाम पूछे जाते हैं क्लियर प्रीवियस स्लाइड पे ही आ गई मैं ठीक है अब आइए आर्टिकल 15 सब क्लास 4 पे आर्टिकल 15 सब क्लास 4 क्या है इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग ये क्या है Keywords में आपको उस पर्टिकुलर क्लॉज के बारे में बता दे रहे इजीली आपको समझ आ जाएगा आर्टिकल फिफ्टीन सब क्लॉज वन फोर क्या है इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ प्रोविजन अगेन आर्टिकल फिफ्टीन सब क्लॉज थ्री की तरह यहाँ पे आप पॉजिटिवली डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो किसको डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो किसको डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो ऑफ पर्सन में आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो और किस लिए किया जा रहा है समेंट फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ दिटिजन इनके अपलिफ्टमेंट के लिए इनके एडवांसमेंट के लिए कौन कौन है सबसे पहले आपको द ग्रुप ऑफ पर्सन सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ठीक है अब यहीं से आप समझ लीजिएगा रेजर्वेशन जो रेजर्वेशन है ना जिसको भी नहीं समझ आता है आपको अच्छे से समझ आ जाएगा क्या कॉन्सेप्ट है रेजर्वेशन का सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज शेड्यूल कास्ट एंड यहाँ पे आपको थर्ड मिलेगा शेड्यूल ट्राइब ठीक है अब शेड्यूल कास्ट में आपको एज तो तो है है नहीं तो आर्टिकल 341 आपको जो प्रॉपर डेफिनेशन देगा कि ये शेड्यूल कास्ट कौन है उसी तरह से शेड्यूल ट्राइब्स आर्टिकल 342 में आपको मिला है अगर हम लोग बात करें जनरल सेंस की तो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स क्या होते हैं ये एक लिस्ट होती है जिनको अपलिफ्ट करने के लिए ये सरकार के द्वारा बताया जाता है कि ये ऐसे हैं जिनको जिनको अपलिफ्ट किया किया जाएगा, जिनको किया जाएगा। एडवांस तो बेसिकली दे आर लिस्टेड शेड्यूल शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स। क्लियर हो गई बात। हेलो हेलो, हेलो, हेलो। राकेश, यू? क्या कहता है एक बार बता दीजिएगा क्लियर है कि नहीं तो फिर मैं बफरिंग हो रही है अगर तो एक बार बता दीजिएगा क्या क्लियर है कि नहीं क्लियर है एक बार थम्स अप कर दीजिए तो वील स्टार्ट ऑफ विद आर्टिकल फिफ्टीन सब क्रॉस फोर इन आर्टिकल्स एंड सेक्शन प्रियंका कह रही है गेट बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा हाँ आर्टिकल्स और सेक्शंस में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है लेकिन जहां पे भी वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन आए

एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेसूल सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड मिल गए शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स ये आपको याद रखना है आर्टिकल फिफ्टीन सब क्लास फोर में क्या बताया गया अब ये आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 ऐड कैसे किया गया यहाँ पे इसको ऐड किया गया अमेंडमेंट के थ्रू ये अमेंडमेंट की जरूरत क्या पड़ी सवाल आ रहा है ना दिमाग में कि इसको ऐड करने की जरूरत क्या पड़ी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को ऐड करने की जरूरत क्या पड़ी आर्टिकल 15 के अंदर है ना बताइए पहले ये बताइए आप लोग तो ये आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा <coughs> सॉरी आर्टिकल फिफ्टीन सब क्लास फोर को ऐड करने की जरूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि दो केसेस आए कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो गया कॉन्स्टिट्यूशन आप सोचो उस टाइम पे आप उस टाइम पे सोचो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया विद इफेक्ट फ्रॉम ट्वेंटी जनवरी में आ गया और 1950 के आते ही 1951 में इसमें अमेंडमेंट हो गया 1951 में इसमें अमेंडमेंट हो गया ऐसे क्या सिचुएशन हुई कि कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेम होने के बाद ही एक साल के अंदर अमेंडमेंट आ गया अमेंडमेंट क्यों आया है ना ये सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार ये अमेंडमेंट एक साल के अंदर इतने सारे कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोगों ने एग्जामिन किया इन सारे कॉन्स्टिट्यूशन के अच्छे अच्छे जितने प्रोविजन्स थे हम लोगों ने अपने संविधान में डाले जितने बेकार प्रोविजन्स थे उनको हटा दिया अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इस प्रकार से फ्रेम किया कि यूएस यूके सबके बेस्ट बेस्ट प्रोविजन डाले फिर अमेंडमेंट की जरूरत क्या पड़ी और एक साल के अंदर ही अमेंडमेंट की जरूरत पड़ गई कॉन्स्टिट्यूशन के आते ही एक साल के अंदर ऐसा केस लॉज आए ऐसे केसेस आए ऐसी चीजें हो रही थी हमारी कंट्री में कि इसमें अमेंडमेंट करना पड़ा और अमेंडमेंट करके आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 को इंसर्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहला सबसे लीडिंग केस कुछ भी भूल जाना आर्टिकल 15 के अंदर चंपाकम दुराई राजन का केस मत भूलना फर्स्ट केस स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेज चंपाकम दुराई राजन क्या हुआ इसके अंदर चंपाकम दुराई राजन के केस में क्या होता है यहाँ पे होता यह है कि यहाँ पे मद्रास में आप देखोगे कि ये रेजर्वेशन करने लगते हैं धीरे 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 करके रिजर्वेशन हुआ अब रिजर्वेशन के चलते यहां पे होता है, क्या ये को रिजर्व कैटेगरी में ला रहे हैं और एडमिशन कर रहे हैं ऐसे केसेस में तो यहाँ पे और साथ ही साथ आप देखोग जगवंत कौर का केस आता है और इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास कर दिया जाता है 1951 का, क्लैट बैच का प्राइस रिड्यूस किया जाए क्लैट बैच का प्राइस रिड्यूस किया जाए देखिए प्राइस से रिलेटेड डेफिनेटली हम लोग इस पर कंसिडरेशन करेंगे और प्राइस आप देखोगे पीडब्ल्यू में अगर आप हो तो आपको एक चीज अपने दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि प्राइस तो लेस ही होने वाला है यहाँ पे प्राइस आप इस सांत्वना में रहो कि आपसे ज्यादा चार्ज नहीं किया जाएगा अगर आप क्लैट से रिलेटेड और, और कोचिंग्स को आप देखोगे ना स्टूडेंट्स तो बहुत ज्यादा चार्ज किया जाता है बहुत सारी कोचिंग में आप देखोगे कि कितनी ज्यादा फीस होती है तो यहाँ पे क्लैट से रिलेटेड आप बिल्कुल भी बेफिक्र रहो आपसे सबसे कम ही चार्ज होगा अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को उठा के देखोगे ठीक है तो ये याद रखना है कि भाई चंपाकम दुराई राजन का केस था और जगवंत कौर का केस था जिसके वजह से कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट पास कर दिया गया 1951 में अब क्या होता है अब इसके बाद देखिए अब यहाँ पे क्या होता है दो चीजों को यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के सामने दो चीजों का सवाल उठता है सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सवाल उठता है कि आर्टिकल 15 सब क्लॉज फोर के अंदर फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट आ गया फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू उसको इंसर्ट किया गया है अब सुप्रीम कोर्ट में सवाल आता है कि यार ये बैकवर्ड क्लासेस हैं कौन कैसे डिटरमाइन किया जाएगा कि ये बैकवर्ड क्लासेस कौन है बैकवर्डनेस कैसे हम किसी चीज की डिटरमाइन करेंगे किसी पर्सन की ये बैकवर्ड कैटेगरी में आता है तो ये सवाल आया सुप्रीम कोर्ट के सामने कि हु आर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो डिफाइंड है नहीं तो फिर यहाँ पे आप देखोगे आर्टिकल 340 में कमीशन की स्थापना होगी कमीशन जो है वो अपनी रिपोर्ट को फॉर्म करेगा रिपोर्ट वो प्रेसिडेंट को देगा फिर फाइनली डिसाइड किया जाएगा कि बैकवर्ड क्लासेस में कौन आता है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के सामने आया सवाल कि ये जो रिजर्वेशन है यानी कि यहां पे जो कहा गया है यहां पे कि क्लॉज टू के अंदर आर्टिकल ट्वेंटी नाइन के और स्टेट को यहाँ पे प्रिवेंट नहीं किया जाएगा किस लिए प्रिवेंट नहीं किया जाएगा कोई कोई भी स्पेशल प्रोविजन बनाने के लिए सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए तो ऐसे केसेस में यहाँ पे ये यह पूछा गया कि भाई लिमिट क्या है रिजर्वेशन की हद क्या है रिजर्वेशन की कितना रिजर्वेशन कर सकते हैं क्या निन्यानवे अगर कर देंगे तो यहाँ स्टेट ऑफ मद्रास में रिजर्वेशन हो रहा तो था जिसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा आप नहीं कर सकते हैं और उसके अगेंस्ट ये फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट पास कर दिया समझ में आ रहा है आपको गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून क्लियर हो गई बात तो दो सवाल थे भाई दो सवाल थे दोस्तों और ये दो सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने बड़ा ही दुविधा की स्थिति थी कि यार ये बैकवर्ड क्लासेस हम कैसे डिटरमाइन करेंगे ठीक है लिमिट क्या होगा रिजर्वेशन का अब इसी सवाल के ऊपर एक लीडिंग केस लॉ आता है बहुत बड़ा केस है एमआर बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर 1963 सुप्रीम कोर्ट का एमआर बालाजी के, के केस में क्या कहा गया एमआर बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट केस मैंने आपको सवाल उठा बता दिए क्या उठे सुप्रीम कोर्ट के सामने सुप्रीम कोर्ट को दुविधा थी कि यार कैसे डिटरमाइन करेंगे बैकवर्डनेस हम एम आर बालाजी केस के के में क्या हुआ देखिए माइसोर गवर्नमेंट ने माइसोर गवर्नमेंट ने क्या किया एक ऑर्डर पास किया समझिएगा इस बात को उस ऑर्डर में माइसोर गवर्नमेंट ने कहा कि हम मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में रेजर्वेशन करेंगे

एस था अब ये मोर बैकवर्ड क्लासेस कहाँ से आ गया तो लगभग लगभग मैसोर गवर्नमेंट ने 68 परसेंट रिजर्वेशन करने के लिए कह दिया और लगभग आप देखो कि 32 परसेंट ही सिर्फ जनरल के लिए रह गया ये मैसोर गवर्नमेंट के द्वारा किया गया क्लियर हो रहा है समझ में आ रहा है जुडिशरी बैच वेन बिल्कुल आएगा और आपको अपडेट किया जाएगा इस पॉइंट पे भी तो यहाँ पे माइसोर गवर्नमेंट ने क्या किया सिक्स रिजर्वेशन करके 32 परसेंट जनरल के लिए छोड़ दिया ये घटना घट गई माइसोर में अब क्या हुआ अब यहां पे देखिए सुप्रीम तो कोर्ट ने क्या कहा यहां पे सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ने ने क्या कहा ने क्या कहा ये देखिए तो कि यहाँ पे ये यह जो आपने रिजर्वेशन किया है ना पहले इसको आप अपने घर रखिए उन्होंने पहले तो इस रिजर्वेशन को स्ट्राइक आउट कर दिया स्ट्राइक आउट के पॉइंट पे किया देखिए इन्होंने कहा कि यहाँ पे जो कास्ट है ना कास्ट के बेसिस पे जो आप रिजर्वेशन कर रहे हैं तो उन्होंने ये कहा कि ये सोल क्राइटेरिया नहीं हो सकता है आपको रिजर्वेशन करना है रिजर्वेशन का सोलली ये क्राइटेरिया हो कि आपकी ये कास्ट है तो आप इसमें रिजर्वेशन पाएंगे ये सोल क्राइटेरिया नहीं हो सकता है ये हमारे बालाजी के, के केस में कहा गया अब इसके फर्दर क्या हुआ ये भी हम लोग समझेंगे ठीक है उसके बाद फिफ्टी सीलिंग लिमिट

छोटी सी सी चीज कल जो हम लोग आर्टिकल सिक्सटीन पढ़ेंगे ना उसमें हम लोग ये समझेंगे कि यार ये क्रीमी लेयर क्या होता है ये कास्ट के ऊपर ये रिजर्वेशन कैसे होता है आर्टिकल सिक्सटीन में हम लोग सब ये सब समझेंगे ठीक है सिक्सटी सिक्स परसेंट हो रहा है राइट ये 66 हो रहा है लेकिन टू परसेंट इधर उधर जो भी अदर अदर क्लासेस के लिए रिजर्वेशन था वो था लेकिन लगभग लगभग इन्होंने सिक्सटी रिजर्वेशन किया था उसके बाद यहाँ पे सुप्रीम तो कोर्ट ने कहा कि ये जो आप करके बैठे हैं ना आपने कहा है कि बैकवर्ड क्लासेस को हम देंगे और उसके बाद हम हम एक sub -category बना रहे reservation की more backward classes. तो ने कहा हम नहीं मानते इस चीफ को सुप्रीम तो कोर्ट ने कहा मोर बैकवर्ड क्लासेस इज इनवैलिड बात क्लियर हुई कि नहीं हुई आर्टिकल 15 एमआर बालाजी बालाजी केस में तीन बातें हेल्ड करी गई इंपॉर्टेंट बातें 50% सीलिंग लिमिट फिक्स कर दी गई कहा मोर बैकवर्ड क्लासेस वैलिड नहीं है मैसूर गवर्नमेंट ने जो किया है साथ ही साथ एम बालाजी के, के केस में कहा कि कास्ट जो है वो सोल क्राइटेरिया रिजर्वेशन के लिए नहीं हो सकता है क्लियर हो गई बात अब देखिए क्या होता है अब देखिए भाई मंडल कमीशन केस अब इस मंडल कमीशन केस में मैं बहुत ही थोड़ा एस्पेक्ट डील कर रही हूं जो आर्टिकल 15 के लिए इंपॉर्टेंट है कल इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे जहाँ पे हम लोग आर्टिकल 16 में इसके रेलेवेंस क्या है ये समझेंगे क्या कहा गया आर्टिकल 15 के क्लॉज फोर पे जो आपने देखा ना यहाँ पे एमआर बालाजी का के के केस को तो आप देखोगे एमआर बालाजी बालाजी के के केस को यहाँ पे चैलेंज क्या किया गया एक तरह से देख लो ओवर रूल ही कर दिया गया इंदिरा सहानी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया नाइनटीन का केस क्या कहा हम लोगों ने तीन बातें देखी थी इंदिरा साहनी के केस में कहा कास्ट कैन बी द सोल क्राइटेरिया आपकी कास्ट क्या है उसके बेसिस पे हम रिजर्वेशन कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया 1993 में कास्ट कैन बी द सोल क्राइटेरिया और कहा कि ये जो मोर बैकवर्ड क्लासेस में जो आपने रिजर्वेशन किया है ना वो भी वैलिड है क्लियर है कहा कि यहां पे कह रही है, आपके नोट्स बहुत अच्छे लग रहे हैं मैम रिविजन बटन बिल्कुल अब इसीलिए इसीलिए मैं मैं नोट्स ऐसे एक्स्ट्रा मेहनत करती हूँ मैं क्लास में लिखूं और कोई पॉइंट ऐसा हो जो मिस हो जाए तो मैं बेस्ट ऑफ बेस्ट नोट्स आपको प्रोवाइड करती हूं। क्लियर हो गई बात इंदिरा सहानी के, के केस में कह दिया गया और इसको कहते हैं यहाँ पे प्रिलिम्स का क्वेश्चन बनता है जो भी बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं मंडल कमीशन केस मंडल कमीशन केस कहा जाता है क्लियर हो गई बात ठीक है इंदिरा साहनी केस में ये दोनों चीजें हेल्ड करी गई थी को इंसर्ट किया गया में। अब इसके टेक्स्ट को एक बार पढ़ लेते हैं इसको टेक्स्ट के पढ़ोगे जब आप लोग तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा कहता है नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन सब क्लॉज जी ऑफ आर्टिकल नाइनटीन वन आर्टिकल नाइनटीन वन जी का रेफरेंस इन्होंने दिया है जहाँ पे ट्रेड इंटरकोर्स ऑक्यूपेशन से रिलेटेड जो आपका आर्टिकल है ठीक है अब यहाँ पे आर्टिकल नाइनटीन वन जी में यहाँ पे प्रिवेंट नहीं किया जाएगा स्टेट को स्टेट को प्रिवेंट नहीं किया जाएगा किस केस में टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन बाय लॉ फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज ऑफ सिटीजन और फॉर एस एंड एस ठीक है

एडमिशन के लिए यहाँ पे आप देखोगे थर्टी थ्री परसेंट फॉर जनरल ट्वेंटी परसेंट फॉर एस इस तरह से जो आप देखते हो ना और कट ऑफ लिस्ट जो आती है कट ऑफ लिस्ट में भी आप देखते हो ना लिस्ट बनी होती है एस के लिए इतना एस के लिए इतना जनरल के लिए इतना तो ये कैसे होती है आर्टिकल फिफ्टीन सब क्लास फाइव के अंदर होता है क्योंकि क्या कहा गया रिलेटिंग टू देर एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एड कर दिया गया वेदर एडेड और अनएडेड बाय द द स्टेट अदर देन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन यहां से माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को हटा दिया गया जो आर्टिकल थर्टी के अंदर फॉर्म किए जाते हैं तो अब अगर हम लोग समअप करें आर्टिकल फिफ्टीन सब क्लॉस फोर हम लोगों ने पढ़ा कि यार स्टेट सरकार चाहे पार्लियामेंट चाहे तो लॉ बना सकती है सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज हैं उनके एडवांसमेंट के लिए उसके बाद हम लोग ने आर्टिकल फिफ्टीन सब क्लॉस फाइव के अंदर ये पढ़ा कि ऐसे क्लासेज एस सीज एस टी सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड के लिए एडवांसमेंट के लिए बना सकती है आर्टिकल फिफ्टीन सब क्लॉस फोर लेकिन एडमिशन की जहाँ पे बात आ रही है जहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर अगर एडमिशन की बात आ रही है प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात आ रही है चाहे वो एडेड हो चाहे वो अनएडेड हो उनको भी एडमिशन दिए जाएंगे वो भी इक्वली अपॉर्चुनिटी है उनके पास ये दिया गया आर्टिकल 15 सब क्लॉज 5 के अंदर क्लियर हो गई बात अब इसको इंसर्ट किया गया था नाइनटी थर्ड अमेंडमेंट एक्ट से और इसके अंदर इसके एम्बिट में लाए प्राइवेट अनएडेड एडेड इंस्टीट्यूशन ऑफ या कॉलेजेस अब इसके बाद क्या हुआ सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्ट 2006 का ये कोई भी नहीं बताएगा आपको ये अंदर की बात मैं बता रही हूँ आपको यहाँ पे ओ को 27 परसेंट कोटा दिया गया था इस इनैक्टमेंट के थ्रू ये जो आप ऊपर पढ़ रहे हो कहाँ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जैसे कि आई आई टीज के अंदर जो आप देखोगे ना कोटा होता है अदर बैकवर्ड क्लासेस का वो इसी के अंदर होता है ठीक है बिल्कुल बिल्कुल मैम uh, आप लॉ uh, से रिलेटेड कुछ देख नहीं रहा आप प्लीज़ बताएगा क्या करना है आप में अच्छा ठीक है बिल्कुल बिल्कुल मैं बताऊंगी एप्लीकेशन में कैसे आप उसको एक्सेस कर सकते हो इतनी बात क्या क्लियर हुई है क्योंकि मैं इसके आगे प्रोसीड नहीं कर सकती अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है प्लीज़ डू अ थम्स अप करिए अगर आपको ये चीज़ क्लियर हुई है कम ऑन कम ऑन फास्ट फायर मुझे चाहिए मुझे इस टाइम पे मुझे इस टाइम पे फायर मोजी चाहिए किस तरह से आपको क्लैट क्रैक करना है ना फायर भर दो यही मैंने बताया अभी बैकवर्ड क्लासेस के लिए कमीशन की स्थापना होगी जहां पे आपको एक रिपोर्ट दी जाएगी प्रेसिडेंट इसमें डिटरमाइन करेगा कि कौन सी क्लास है जो बैकवर्ड के अंदर आती है क्लियर हो गया यहां तक बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ठीक है क्लियर हो गई बात अब देखिए यहां पे अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट सवाल भाई साहब इंपॉर्टेंट सवाल ये है वेरी गुड अमेजिंग 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 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आग लगा डाली आग लगा डाली है ना अमेजिंग <laughs> बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलिए चलिए अच्छा है अच्छा है समझ आ गया ठीक है अब यहाँ पे अब यहाँ पे कहानी नहीं खत्म हुई है आर्टिकल फिफ्टीन सब क्लास फाइव आने के बाद कहानी दोस्तों खत्म नहीं हुई है क्योंकि इसको भी चैलेंज किया गया अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2008 के केस में आर्टिकल 15 सब क्लॉस 5 को चैलेंज किया गया और ये कहा गया कि यार आपने आर्टिकल 15 सब क्लॉस 1 में कहा कि आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे तो ये तो भाई साहब वॉयलेटिव है इट इज वॉयलेटिव ये रिजर्वेशन जो आप कर रहे हो ये वॉयलेटिव है ऑफ आर्टिकल ऑफ आर्टिकल फिफ्टीन सब क्लॉज वन आप कैसे कास्ट के बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो तो अशोक कुमार ठाकुर में ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये जो 27% परसेंट रिजर्वेशन हो रहा है हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में लाइक आई आई में ये कॉन्स्टिट्यूशनल है ठीक है और यहाँ पे क्या तर्क दिया होगा सुप्रीम कोर्ट ने आपको पता ही है इट इज फॉर अपलिफ्टमेंट एडवांसमेंट ऑफ सच क्लासेस एंड कास्ट इतनी बात क्लियर हो गई

मैंने उत्तराखंड जुडिशरी का एग्जाम दिया था ठीक है उत्तराखंड जुडिशरी का एग्जाम दिया मैंने <coughs> उत्तराखंड जुडिशरी के एग्जाम में मैंने प्रिलिम्स दिया था और प्रिलिम्स में अच्छा ठीक स्कोर मेरा बन रहा था अकॉर्डिंग टू मी बहुत बढ़िया था अब यहाँ पे क्या हुआ मेरे जो स्कोर बन रहा था वो था 141 और जो कट ऑफ गई थी वो आई थिंक 142 या 143 गई थी ठीक है फीमेल की जनरल फीमेल की कट ऑफ वन फोर्टी टू या थ्री गई थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा नहीं हुआ था अब यहाँ पे उत्तराखंड गवर्नमेंट ने क्या किया था इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को रिजर्वेशन दिया था और ये दस परसेंट रिजर्वेशन दिया जाता है अब ये जो दस परसेंट रिजर्वेशन दिया था ना तो इनकी जो कट ऑफ थी लगभग फिफ्टी यानी कि पचास परसेंट मार्क्स जिसके भी आ रहे हैं वो क्लियर कर रहा था एग्जाम तो यहाँ पे आप देख रहे हो किस लिए क्योंकि उत्तराखंड में जो भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस थे उत्तराखंड के अकॉर्डिंग उत्तराखंड की स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग उनको अपलिफ्ट करने के लिए दस परसेंट रिजर्वेशन इंपॉर्टेंट था और ये उन लोगों का रिजर्वेशन कट ऑफ थी क्लियर हो गई तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर ये दस परसेंट टू टेन परसेंट रिजर्वेशन दिया जा सकता है इंक्लूडिंग प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वेदर एडेड हो चाहे ना एडेड हो अब ये कैसे डिटरमाइन किया जाएगा कि कौन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की कैटेगरी में आता है है ना सवाल तो ये भी है कि भाई कौन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की कैटेगरी में आता है ये भी तो डिटरमाइन करना है तो इसको डिटरमाइन करने के लिए ये देखा जाएगा कि भाई एट लाख पर एनम एट लाख पर एनम से कम आपकी जो फैमिली इनकम होनी चाहिए उसके बाद ये देखा जाएगा कि आपके पास पांच एकड़ से ज्यादा जमीन तो नहीं है कहीं पे आपके पास इतना लैंड तो नहीं है जो पाँच एकड़ से ज़्यादा हो उसके बाद ये देखा जाएगा क्या जो रेसिडेंशियल फ्लैट में आप रह रहे हो क्या ये एक हज़ार स्क्वायर फीट से ज़्यादा तो नहीं है ये सब देखा जाएगा और यहाँ आप अपने आप को इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में अपने आप को डालने के लिए एक तहसील में जाओगे तहसील में जाइए ऑनलाइन वन नहीं हो सकता है तहसील में जाओगे तहसील में जाओगे तो एक ई डब्ल्यू एस ई डब्ल्यू एस सर्टिफिकेट तहसील में इशू किया जाएगा और आपको माना जाएगा कि आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की कैटेगरी में आ गए ये इस तरह का कुछ सर्टिफिकेट होता है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट क्लियर हो गई बात अब क्या कहता है आर्टिकल 15 सब क्लॉज 6 आर्टिकल 15 सब क्लॉज 6 ये कहता है कि भाई साहब नथिंग इन दिस आर्टिकल और सब क्लॉज डी यहां पे मैं लिख दूं पहले आर्टिकल 15 Subclause 6 says that nothing in this article or subclause G of Article 19, Clause 1, or clauses 2 of Article 29 shall prevent the state from making any special provisions for advancement of any economically weaker sections or other than the classes mentioned. अच्छा यहां पे आप देखोगे क्या ये जनरल कैटेगरी या यहाँ पे जो हम लोग ने एजुकेशनली जो ओबीसी को देखा बैकवर्ड क्लासेस एस को देखा एस को देखा उसके अंदर आते हैं नहीं आते ये अलग सेक्शन है अलग क्लास बनाया गया है ठीक है अदर दिन क्लासेज इन क्लासेज फोर एंड फाइव Any special provisions for the advancement of any economically weaker sections of citizens other than the classes mentioned in clauses 4 and 5, insofar as such special provisions relate to their admissions to educational institutions. Ye basically bataya gaya. Uske baad bataya gaya explanation For the purpose of this article and article 16, economically weaker sections shall be such as may be notified by the state from time to time. State notify karega on the basis of family income, other indicated indicators of.

सबसे पहले हम लोगों ने देखा यहाँ पे क्लॉज वन कहा स्टेट जो है क्लॉज वन में कहा स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा कौन से ग्राउंड पे नहीं करेगा रिलीजन रेस कास्ट सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम ठीक है क्लियर कट ये कहा उसके बाद आइए लिखिए मेरे साथ कम ऑन राइट विथ मी आर्टिकल फिफ्टीन सब क्लॉज टू में हम लोगों ने क्या पढ़ा आर्टिकल फिफ्टीन सब क्लॉज टू में हम लोगों ने पढ़ा कि भाई यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा सेम ग्राउंड्स पे जो ग्राउंड्स बताए मैंने आपको ग्राउंड्स पे साथी साथ ही साथ डिसेबिलिटी नहीं होगी लाइबिलिटी नहीं होगी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा कंडीशन नहीं होगा अगर कोई पब्लिक एंटरटेनमेंट है या फिर कोई ऐसा वेल well है कोई टैंक है ठीक है इसको एक्सेस करने के लिए आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जाएगा आर्टिकल फिफ्टीन सब क्लास टू ने कह दिया कम ऑन कम ऑन कम ऑन राइट विथ मी आइए आर्टिकल थर्टीन सब क्लास फाइव पे आर्टिकल सॉरी उल्टा कह दिया आर्टिकल फिफ्टीन सब क्लॉज थ्री पे आइए क्या कहता है कहता है भाई हम डिस्क्रिमिनेशन करेंगे हम विमेन और चिल्ड्रन को अपलिफ्ट करने के लिए ये डिस्क्रिमिनेशन करेंगे और ये संविधान में दिया हुआ है आर्टिकल पंद्रह सब क्लॉज तीन में आगे बढ़िए क्या कहा आर्टिकल आइए कम ऑन राइट विद मी आर्टिकल फिफ्टीन सब क्लॉज फोर में कहा क्या कहा यहाँ पे एजुकेशनली एंड सोशली एंड सोशली बैकवर्ड क्लासेस के लिए इनके एडवांसमेंट के लिए ये जो है ये रिजर्वेशन किया जाएगा और इसको ऐड किया गया बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट इसके साथ ही साथ आपको क्या याद रखना है इसी के साथ ही साथ आपको याद रखना है चंपाकम राजन का केस 1951 में जो आता है क्लियर हो गई बात क्लियर हो गई उसके बाद देखिए आर्टिकल 15 सब क्लास फाइव में हम लोगों ने इन्हीं के एडमिशन्स के बारे में पढ़ा इनके एडमिशन्स हो सकते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी हो सकते हैं चाहे एडेड हो स्टेट्स के द्वारा या अनएडेड हो स्टेट्स के द्वारा इनका एडमिशन किया जा सकता है सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड प्लस एससी एंड एसटीज क्लियर हो गई बात और फाइनली आर्टिकल 15 सब क्लास सिक्स में हम लोगों ने पढ़ा इकोनॉमिकली स्पीकर सेक्शंस के बारे में इसको ऐड किया गया नाइनटी थर्ड अमेंडमेंट एक्ट से और इसको ऐड किया गया एक सौ तीन अमेंडमेंट एक्ट से क्लियर हुई बात ये हो गई आपकी टाइम लाइन भाई चंपाकम दुरायराजन का केस आता है और यहाँ पे अशोक कुमार ठाकुर का केस आता है अशोक कुमार ठाकुर के केस में क्या हुआ इनको डिक्लेयर कर दिया गया कि भाई आपका एडमिशन हो सकता है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल है क्लियर हो गई बात अब आ जाते हैं हम लोग सवाल पे तो सबसे पहला आपका सवाल है द फर्स्ट क्वेश्चन इज सबसे पहला सवाल क्या है सबसे पहला सवाल यह है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन एक्सेट्रा अंडर आर्टिकल 15 इज अ राइट क्लासिफाइड अंडर सबसे पहले आपको इस बात का जवाब देना है कहाँ पे क्लासिफाइड है ठीक है आपको 30 सेकंड का टाइम दे रहे हैं 30 सेकंड का टाइम दे रहे हैं और आपका पोल जो है वो शुरू होता है अब ठीक है आपका पोल शुरू होता है अब चलिए सवालों के जवाब दीजिए ये पोल है ये पोल जो है ये स्टार्ट कर दिया गया है तीस सेकंड का टाइम है इस तीस सेकंड के अंदर आपको जवाब देना है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन आर्टिकल फिफ्टीन इज राइट क्लासिफाइड right अंडर इस पोल के थ्रू आपको जवाब देना है यहाँ पे इस पोल के थ्रू आपको ये जवाब देना है क्या है करेक्ट आंसर ठीक है लीडर बोर्ड देखिए भाई सवालों के जवाब दे दिए गए हैं बहुत ही <laughs> बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया तो जीरो परसेंट ए बी थर्टी थर्टी थ्री परसेंट सी को दिया गया है काहे को भाई कल्चरल एजुकेशनल राइट नहीं है और डी में जो है ये करेक्ट आंसर आता है तो आपका आंसर करेक्ट है डी इज द करेक्ट आंसर क्लियर हो गई बात एक बार हम लोग लीडर बोर्ड देख लेते हैं एक बार लीडर बोर्ड के थ्रू देखते हैं कि भाई किसके सवाल सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से दिए गए हैं अच्छा लीडर बोर्ड जो है है वो एंड में हमें मिलेगा ठीक चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट अपॉइंटेड मंडल कमीशन टू सजेस्ट मेजर्स फॉर एडवांसमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस इसमें बताइए कितने लोग जानते हैं ए इंदिरा गांधी बी मोरारजी देसाई D, VP Singh, या डी ऑफ द है करेक्ट आंसर इसका अच्छा कोई क्वेरी है प्रांजल की ठीक है ठीक है उसका भी जवाब दिया जाएगा पहले आप इसका जवाब दीजिए किसकी सरकार थी उस टाइम पे जब ये मंडल कमीशन आया था ए ए, ए अच्छा अच्छा ठीक है इसको ऐसा करिए इसको एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा इसको चेक करके आप लोग जवाब दीजिएगा ठीक है इसको एक बार चेक कर लिया जाएगा फिर जवाब दिया जाएगा अब ये बताइए पहले यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द मंडल जजमेंट 1992 टू द रिजर्व कोटा नॉट एक्सीड डैश एक्सेप्ट इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सरकमस्टांसेस मंडल कमीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या कहा गया थर्टी सेकेंड का टाइम आपको दे रही हूँ क्या यहाँ पे कहा गया कि भाई क्या होगा लिमिट ऑफ कोटा लिमिट क्या थी कोटा की <coughs> क्या फिक्स करा गया इसका जवाब दीजिए आप लोग करेक्ट आंसर बताइएगा थर्टी सेकेंड का टाइम पीरियड आपको मिल रहा है सी 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 अच्छा मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी बता रहे एक बार इसको चेक करिएगा आप लोग <coughs> क्या लिमिटेशन था यहाँ पे इस पोल के थ्रू आंसर दीजिएगा ठीक है एक बार देख लेते हैं सेकंड का टाइम पीरियड अभी पूरा हुआ है यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है क्या कितने जवाब जो है सही आए एब्सोल्युटली करेक्ट बिल्कुल यहाँ पे फिफ्टी परसेंट की जो सीलिंग लिमिट थी वो फिक्स करी गई थी एब्सोल्युटली करेक्ट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से द फर्स्ट केस रिलेटिंग टू द रिजर्वेशन अंडर आर्टिकल 15 सबसे पहले बार ये सवाल कौन से केस में उठाया गया था जल्दी से जवाब दीजिए इसका द फर्स्ट केस रिलेटिंग टू रिजर्वेशन अंडर आर्टिकल 15 बिल्कुल मोर बैकवर्ड क्लासेस इंदिरा सहानी के केस में कहा कि मोर बैकवर्ड क्लासेस में आप रिजर्वेशन कर सकते हैं लेकिन 50 से ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए है ठीक है The first case relating to reservation under Article 15. Correct answer बताइए बिल्कुल correct है ठीक है चंपाकम दुराई राजन का केस है बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने हंड्रेड परसेंट सही जवाब ठीक है कैन कास्ट बी दोल क्राइटेरिया इन द मैटर्स ऑफ रिजर्वेशन इफ ये इन विच केस इट वॉज हेल्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या कास्ट जो है वो सोल क्राइटेरिया हो सकता है रिजर्वेशन के लिए जवाब दीजिए जल्दी से कास्ट क्या सोल क्राइटेरिया हो सकता है रिजर्वेशन के लिए क्या कास्ट के बेसिस पे सोलली रिजर्वेशन किया जा सकता है और अगर किया जा सकता है तो कौन से केस में ये कहा गया था जल्दी से जवाब दीजिए इसका चलिए करेक्ट आंसर क्या है करेक्ट आंसर क्या है इसका अच्छा यहां पे मंडल कमीशन केस में यहां पे कहा गया यहां पे एमआर बालाजी का केस में आपने क्यों कहा कास्ट सोल क्राइटेरिया हो सकता है ये मंडल कमीशन केस यानी कि इंदिरा सहानी केस में कहा गया था कि कास्ट जो है वो सोल क्राइटेरिया हो सकता है रिजर्वेशन के लिए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए कैन रिजर्वेशन बी क्लेम्ड एज अ मैटर ऑफ राइट ए यस बी नो सी डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट डी नन ऑफ द अबव करेक्ट आंसर का जवाब दीजिएगा आप कमेंट सेक्शन में उसके बाद बाय विच अमेंडमेंट एक्ट क्लॉज फाइव वाज इंसर्टेड अंडर आर्टिकल फिफ्टीन यहाँ पे जो फिफ्थ क्लॉज था कौन से अमेंडमेंट एक्ट से इंसर्ट किया गया था जवाब दीजिए यहां पे अमेंडमेंट एक्ट कौन सा था जिससे क्लॉज फाइव ऐड किया गया था ये नाइन्टी थर्ड अमेंडमेंट एक्ट था जिससे क्लॉज फाइव ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल फिफ्टीन में

हमारा आज का सेशन जो है वो कंप्लीट होता है बहुत ही बढ़िया रहा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आर्टिकल सिक्सटीन के सिक्सटीन के साथ तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए